पारदेश्वर सिद्ध पीठ श्री गौरी शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर में 26वां वार्षिक जागरण बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। इस जागरण की शुरुआत पंडित भक्ति सागर शास्त्री, आनंद शास्त्री, शेषेंद्र तिवारी, दुर्गेश पंडित कौशिक की तरफ विधिवत पूजन से की गई, जिसमें मुख्य यजमान सुरेंद्र सिंह ओशान, अशोक मल्होत्रा, दीपक बांसल, सुरेंद्र सेठ व समूह मंदिर प्रबंधक कमेटी ने ज्योति प्रज्वलित की। जिसके बाद जागरण में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी जोगिंदर पाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में मशहूर पार्टियां महंत दविंदर कपूर, राजकुमार सहगल व चीनू सहगल एंड पार्टी ने देर रात तक मां की भेंटों को गाकर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंदिर प्रधान सुभाष शर्मा, सीनियर वाइस चेयरमैन टीआर टंडन, कार्यकारी प्रधान विजय जोशी, मुख्य सचिव अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष एस के मित्तल, प्रेस सचिव रमेश सहगल, सह कोषाध्यक्ष संजीव शर्मा, सह सचिव प्रीतम चंद सैनी, उप प्रधान बलदेव सिंह शर्मा, सलाहकार रविंद्र ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान मधु शर्मा, नरेश सहगल, विशाल महाजन, नीरू मित्तल, अनु शर्मा, मंजू शर्मा, अंशु, सुदेश जोशी ने आए हुए माँ भक्तों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जागरण में आने वाले माँ भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बुला के महारानी का आशीर्वाद मांगे। मैं महारानी अगे अरदास करता कि सारा इलाके वासियों को कमेटी को सारे भैया मेरी भरावान इस इलाके के सारे मेरे मित्र रार मावा भैया महारानी चढ़ती गल रखे इन्होंने सिर इस तरह मेहर करे हाथ रखे और इस तरह इन्होंने शक्ति देवे इस तरह इतने बड़े आयोजन करा दे। मैं देखता आ रहा है कि प्रबंधक कमेटी जिस फार इस बार इस मंदिर की सेवा करती आ रही है पिछले 20 साल साढ़े बहुत ही आदमी है और बड़े साढ़े छोटे भी और इलाके के तुहाडे सारे हरदम प्यारे केडी भंडारी जी उन्होंने भी इस मंदिर को मैं देखे सरदारी लाल जी मेले तो अज तक पूर्ण सहयोग और हमेशा इन्होंने वैसे भी शक्तिपीठ देवी जी का मंदिर नाल महारानी के काली माता के दरबार नाल इन्होंने अटूट संबंध और मैं सारे आज के दिन से बहुत बहुत बधाई देता ज़्यादा मैं बोलता आया मैं बड़ी इस मंदिर तो सभी शक्ति भी देवी जी का मंदिर हमेशा हर प्रकार का सहयोग प्रबंधक कमेटी देती है चाहे रामनामी शोभा यात्रा हो कोई भी जरूरी हो मैं प्रबंधक कमेटी का करते बहुत बहुत धन्यवादी है। साढ़े जलंधर के भजन सम्राट सहगल साहब राजकुमार सहगल जी जैसे कि
जिन्होंने बहुत ही मान है, सरस्वती मान है, ऐसा कंठ देता है कि पंजाब के चुनने भजन गायक से मैं नाम सुन जो और मैं इन्होंने भी आज सुन के बहुत बधाई देना और महारानी के दरबार इन रौनक और कमेटी ने इन श्रद्धा भावना के नाल इस जालंधर के पिम्स अस्पताल के समक्ष रिलायंस मॉल में काम कर रहे कई कर्मचारियों को रिलायंस कंपनी की ओर से निकाल दिया गया है, जिसके चलते इन कर्मचारियों की ओर से मॉल के समक्ष रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए उक्त कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बिना कोई कारण बताए और बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया है, जिस वजह से अब उनका घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि उनकी नौकरी उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए, नहीं तो वे अपना रोष प्रदर्शन और तेज करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। एचआर वाले सानू भी कहा गया है कि तुम उठे कोर्ट से जाके केस लाओ, कि उन्होंने लेबल कोर्ट का कोई डर ही नहीं है कि वह कह रहे तुम केस लाओ, तो फिर उत्थे जाके इंसाफ होगा। उतो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, जिथे मर्जी तुम केस कर लो, जिथे मर्जी चले जाओ। जो कंपनी ने कहता बस उ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सूँ, रात 11:30 बजे भेज रहे हैं भी चलो सवेरे ड्यूटी तो नहीं आना। तुम हूँ दसो जी अभी आपदा तनखा मंगन दें भी सू 3-3 महीने तनखा दी जाए, साढ़ा वह भी कोई इंसाफ नहीं कर दे। जे हूँ स्टोर बंद किया सू प्रेसराइज कर दे या भी स्टोर ओपन कर दिता जाए, नहीं तो तुम पुलिस के उन्होंने केस किया जाऊगा, तुम पुलिस तो फड़ाया जाऊगा, लाठीचार्ज किया जाऊगा। दसो हूँ अं कितने जाइए, सारे घर परिवार वाले बच्चों वाले बंदे आ उतो सारे ते फीसा फूसा सब कुछ घर परिवार चलन दे आ, की किया जाऊगा दसो साहब तुम। आप असी अपने भगवंत मान मुख्यमंत्री मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को एक अरदास करते हैं कि सानू जल्दी जल्द इंसाफ दवाया जाए, क्योंकि सानू धमकियां मिलदियां पईआं, इत्थों तुहानू चकवा दांगे, तुसीं कुछ भी नहीं हैगे, असी तुहानू जवाब दे दित्ता पर इदा का कुछ नहीं है जी। सानू ना कोई नोटिस मिलिया वा, ना सानू कोई किसी ने सुनवाई की है, ईवन कि एज पर असी कल तक ड्यूटी कर रहे थे अपने 11 बजे तक, रात को सानू इन्होंने इमीजिएटली इन्होंने कहा कि तुहानू टर्मीनेट किया जाता है, पर दसो साडा कसूर की है, असी साडे छोटे छोटे बच्चे आ, असी घर परिवार आ, किस्तां देणियां असी कित्थों भरांगे। असी प्रशासन तो यही मंग करते हैं कि सानू जल्दी तो जल्दी इंसाफ। सैनिक विंग संघर्ष कमेटी पंजाब द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से धरना दिया जा रहा है। इस संबंधी रिटायर्ड सैनिकों ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर सैनिक विंग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। ऑफिसर रैंक को ज्यादा पेंशन दी जा रही है और रिटायर फौजी जवान को कम पेंशन दी जा रही है। इसी मुद्दे पर लंबे समय से सैनिक विंग संघर्ष कमेटी दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठी हुई है। इसी के चलते जिला बरनाला के रिटायर सैनिकों द्वारा उन्हीं मांगों को लेकर पूरे शहर बरनाला में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और एसडीएम बरनाला को मेमोरेंडम दिया गया। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज असी जेड़ा साडा जंतर मंतर ते धरना चल रहा है ओदे आज 100 दिन पूरे हो गया, लेकिन अजे तक केंद्र सरकार ने साडी कोई गलबात नहीं सुनी, वास्ते ही असी अज एसडीएम साहब नूं एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। वड्डी गिनती विच साबका फौजी इकट्ठे हो गए, जो रूट तुहानूं दस्सिया उत्ते जावांगे असी। बाकी जिहड़ी साडी लड़ाई हैगी है वह लंबी लड़ाई है, कुछ कल परसों सानूं कुछ तंग भी किया गया सरकार वल्लों, लेकिन दोबारा साडा कल दिल्ली विच दोबारा धरना शुरू हो गया, हुण दोबारा धरना साडा चल रहा लगातार, और वन रैक वन पंशन की जो साडी लड़ाई हैगी आ उहदे विच साडे जेसीओ तों लै के थले जिहड़े जवान तक कोई पैसा नहीं मिलिया, सारे का सारा पैसा जिहड़ा हैगा अफसर रैंक लै गया, इस करके उहदी लड़ाई विच ही असी सारा जिहड़ा हैगा इह कारवाई कर। जो साडा धरना दिल्ली वेले चल रहा जंतर मंतर ते उहदा अज 100वां दिन हो चुका, पहला साडा 2-4 दिन पहले गड़बड़ हो गई सी, कल साडा स्टाफ इत्थों बहुत गया गड्डियां लै के उहने दुबारे धरना शुरू कराया। उहदे संबंध विच ही अज असी गुरद्वारा रामगढ़ी साहब तों चल के एक मंग पत्र असी एसडीएम साहब नूं देणा, तां कि जिहड़ा साडा मंग पत्र आ उपर तक पहुँच सके, जिहड़ी केंद्र दी सरकार आ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂ ਸਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਲਮੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿੰਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਬਰਸੀ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਫੈਨਸ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ 150 ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਂਪ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਮੇਂ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੋਂ ਸੇ ਅਪਾਹਿਜ ਥਾ, ਵਹਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਔਰ ਕਈ ਯੂਥ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਨਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਮ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਆ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਰੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 150 ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨੰਬਰ 17 ਮੇਂ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਕੀ ਛਬੀਲ ਔਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
पप्पू प्रधान कमल चौहान ने कहा कि रामा मंदिर की तरफ से पहले भी ऐसे कार्य किए जाते रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने इस लंगर में सहयोग देने वालों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान पंडित राजेंद्र शर्मा, नारायण शर्मा, प्रभुदयाल सक्ष शर्मा, वरुण सिंह, रणबीर सिंह लुबाना के अलावा बड़ी संख्या में इलाका निवासी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर चंद्र कैंट जेदे विच निर्जा कास्ती दे प्लस दे विच सवेरे 10 बजे शिविर लगाई गई है जेड़ी कि शाम तक चलेगी। एदे विच रूह अफजा, मैंगो, दूध वाली और जल जीरा और बिस्कुटों का प्रसाद बांटा जाएगा। शाम को जल जीरा लगेगा। हम धन्यवादी हैं सारी छोनी के जिन्होंने ऐसे मौसम खराब होने के बावजूद भी इधर रश पड़ा और लोगों ने चटील पी। हम धन्यवादी अपनी कमेटी के, हम धन्यवादी हैं पंडित पिछाजी जी, नंद कुमार राजू जी, चेयरमैन नरेंद्र सिंह पप्पू, नायक कुमार नानी, पवन कुमार जी, लक्ष्य जी, अपने सैनी साहब, असं अपने सारे कमेटी के साथ नार आ गया हुए, रमेश कुमार काला जी, राणा जी काला, सोनू जी, असं इन्हों का धन्यवाद करते सब जिन्होंने आए है। और असं अब हम अपने अभी शीतल बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कि हर साल की तरह इस साल भी इला काश्ती के जो रामा मंदिर श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों स्पीच का आयोजन किया गया जिसे राजकुमार राजू जी, पुजारी जी, लक्ष जी, नैन कुमार नन्नी जी, चेयरमैन प्रधान साढ़े कमल चौहान जी, सैनी साहब जो कि स्पैशल अज जो कि अमरीका तो आए हैं वह भी जड़ी कि है सारी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर असी अपने वालों अपने सारे परिवार वालों लख लख बधाई शीतल जी ने भी दें जिन्हों का कि साढ़े देवी तला के प्रधान भी है और साढ़े व्डे भरा भी है और सारी टीम जो भी साढ़े बच्चे भी सवेर के लगे हुए 10 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक चलेगी। आज दैनिक सवेरा की जो टीम हमारे बीच में आई हुई है छवील के प्रोग्राम के बीच में, ये छवील का जो प्रोग्राम है ये निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म राम मंदिर की तरफ से चल रहा है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन करवाया गया जिसमें बाल एवं युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सांवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद, रमन शर्मा, दमन मेहता, राकेश कुमार और अश्विनी चड्डा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। लक्की मार्वल वाले सरदार तरसेम सिंह मक्कड़ जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय तरसेम सिंह मक्कड़ को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, चरणजीत सिंह चन्नी, बब्बू नीलकंठ, बंटी नीलकंठ, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, अनिल सच्चर, राजकुमार जुल्का, माल्टू जुल्का, राजू खन्ना, गुरमीत चौहान, राजू लुथरा, मनजीत सिंह टीटू, सरबजीत सिंह मक्कड़, कुलवंत सिंह निहंग, रविंदर सिंह स्वीटी, गुरप्रीत सिंह, बॉबी सिडाना, राजन सिडाना, रिंकू सिडाना, तेजपाल सिंह, सुखजीत चीमा, जसमीत सिंह, राजेश शर्मा, रवि कपूर। पारिवारिक सदस्यों में लक्की, गुरमीत, मंगा, सोनू, मोंटू, एकजोत सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय तरसेम सिंह मक्कड़ को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जालंधर के निक्कू पार्क के समक्ष गुरुद्वारा रोड पर न्यू फैंसी ऑर्नामेंट हाउस का उद्घाटन किया गया जिसका शुभारंभ कृष्ण लुथरा और नीतू लुथरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया।
इस मौके पर शोरूम के मालिक रोमिल लूथरा ने बताया कि उनके शोरूम में बहुत ही आकर्षक एवं विभिन्न डिजाइन में ज्वेलरी उपलब्ध है जो कि ग्राहकों को काफी पसंद आएगी। इस मौके पर रहीमा गुप्ता, नूर एहसास सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा के अधीन आते गांव चक पंडोरी में स्कूल की ग्राउंड में खेलते समय एक बच्चे को लगा करंट, हुई मौत। पुलिस कमिश्नर जालंधर की ओर से नशों की रोकथाम के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध घरों में की छापेमारी। अचनाला से स्कूल के बच्चे लेकर आ रही बस कीचड़ की वजह से पलटी, बच्चों को आई मामूली चोटें। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।